सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और आज का जो सीन है वो ये है, मैं हूँ घर पे अकेला, घर पे कोई नहीं है, भाई शोरूम जा चुका है, पापा मम्मी गांव जा चुके हैं क्योंकि गांव में चल रहा है काम, हम सारे पेंट करवा रहे हैं। मैंने पहला स्टूडियो में दिखाया भी था पेंट वगैरह का, तो और बाकी जो थोड़ा रसोई वगैरह है वहाँ पे रसोई वगैरह ही बनवा रहे हैं हम, और थोड़ा बहुत काम हो रहा है वो बना रहे हैं, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल जो है मैं नाश्ता कर चुका हूँ मैं, और नहाने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने साथ साथ एक बात बता दूं, आज हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए दृश्यम 2। अब ये देखना है कि मैं दोस्तों के साथ जाऊं या फैमिली के साथ जाऊं, क्योंकि ऐसा सीन हो चुका है दोस्तों को मैं कल से कह रहा हूँ चलना है चलना है चलना है, और जिसमें अब घर पे आया आज, तो मतलब कल रात घर पे आया था, तो भाई ने कह दिया था कि भाई मूवी देखने चलेंगे कल को दृश्यम 2। तो आई एम कन्फ्यूज, फिर एक चीज और सोच रहा हूँ कि सबको साथ ही लेके चलूं, भाई दोस्त भी आ जाएंगे, वहां बैठने का कौन सा मस्ती करनी है, वहां बैठ के देखनी है वो देख लेंगे और सारे साथ चले, बाकी शाम को देखा जाएगा कैसा प्रोग्राम है कैसा नहीं। जी नहाना धोना तो बाद में करेंगे, उससे पहले हम पेट दूजा करेंगे, क्योंकि जो भूख है ना वो नहाने से ज्यादा लग रही है, मतलब नहाना इतना जरूरी नहीं है, कल भी नहाया था तो थोड़ा लेट भी चलेगा ना तो चल जाएगा, फिलहाल हम पेट दूजा करेंगे। और फिलहाल देखते हैं कि मम्मी बना के क्या क्या गई है। खाने में तो आलू की सब्जी है और साथ में वो ही है रोटी, और फ्रिज में जहाँ तक मुझे उम्मीद है फ्रिज में है दही जो मम्मी रखे गई है। आलू की सब्जी से पता है क्या चीज सबसे बेस्ट लगती है, अगर आपकी रोटी खत्म होगी और आलू की सब्जी गई बच ज्यादा सी, तो जो दही है ना उसे उसमें डाल लो और उसे थोड़ी चाट सी बनाओ चम्मच से घोलो और खा जाओ, बड़ी टेस्टी लगती है। फिलहाल तो मैं खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद मिलते हैं। फिलहाल कर रहा हूँ मैं कपड़े चेंज, क्योंकि मैं जाना है जिम में, और जिम आने में जल्दी आ रहा हूँ, और अभी टाइम जो है ना वो 4 बजे हैं, 4 भी ठीक से नहीं बजे, 5 मिनट रह रही है, मतलब 3:55 हो रहे हैं, तो क्योंकि उसके बाद में जल्दी आना है, उसके फिर बाद में जाना है मूवी देखने, मूवी का टाइम है 7:30 का, और 4 बजे जाऊँगा जिम में, 4:15 तक पहुँच जाऊँगा, 4:15 के बाद 5:30 तक घर। टी शर्ट तो मैंने कर ली चेंज, और जैकेट जो है ना वो मैं यही पहन लूंगा क्योंकि ये तो धोनी है ना, और जब वहाँ जिम करके आऊंगा तो पसीनों में तो वैसी हो जाती है, इसलिए जीन्स ही पहनूँ, बाकी जो लोअर है वो कर लेता हूँ चेंज। अब उठाते हैं अपना बैग जो है कि हमारा GNC का, आपको पता ही है पहले दिखा चुका हूँ मैं GNC का, मैंने पूरी किट मंगाई थी, अब इस पे हम 2 शेकर ले जाएंगे, एक हम पानी होगा और एक हम होगा प्रोटीन। पर ये अपने जो खाली वाला ना इसकी तो मैं हालत क्या कर रखी है, मैंने सारा रंग उतार रखा है, ब्लैक कलर था वैसे चढ़ रहा था, इस पर GNC लिखा हुआ था, ये भी GNC का था और इस पर GNC लिखा हुआ है। फिलहाल उतारते हैं अपना, फिलहाल मैं प्रोटीन नहीं गेनर ले रहा हूँ, एक डिब्बा इसका CN का, इसका नाम है कोर न्यूट्रिशन, एक जो भैया हैं वो परिवार में लगते हैं, वो कुछ खेले हुए हैं पता नहीं यूपी खेले हुए हैं क्या खेले हुए हैं, तो गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उन्होंने सजेशन दिया था कि इस वाले का ले लियो, तो मैं इसलिए ले रहा हूँ, ये पढ़ लूंगा एक डिब्बा, फिर उसके बाद दोबारा प्रोटीन बनाऊंगा, इसकी एक चम्मच लूंगा। क्योंकि जो गेनर है ना वो मैं ज्यादा नहीं खाता, बाकी जो कार्ब्स वगैरह है कार्ब्स के लिए बहुत चीजें हैं, के जो बाकी कार्ब्स है ना कार्ब्स के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी हो गई स्वीट पोटैटो हो गए, शक्कर गंदी होती है ना वो खाओ, उसमें बहुत कार्ब्स है, कार्ब्स ही कार्ब्स है उसमें, वो अब तो वैसे सर्दी आ रही, तो सबसे बढ़िया बात है दुकान से लेने की बजाय भी ना आप एक काम कर सकते हो, दुकान से 30 रुपये की छोटी सी प्लेट देगा, इतनी सी 50 की इतनी कर देगा, ज़्यादा नहीं करेगा, अगर आपको लेनी है तो दुकान से ले आओ, 20-30 रुपये पूरी 1 किलो आती है, मैं तो वही ले आता हूँ घर पे, मैं जिम से आऊँगा भाई को इतना बोल दूंगा वो इतना उबाल लेगा फिर मैं खा लेता हूँ। ये देखना है कि आज बाइक खड़ी कौन सी है, बुलेट है या फिर स्प्लेंडर है, मेरे ख्याल से नहीं आज तो स्प्लेंडर खड़ी होगी, आज स्प्लेंडर खड़ी है, बुलेट नहीं है। लाइट्स कर देता हूँ ऑफ, और इस कमरे की जली रहने देता हूँ, ओके इस कमरे की जली रहने देता हूँ, डोबी जली रहनी चाहिए, अपने दूसरे वाला फ़ोन उठाएंगे और चलते हैं। और एक चीज तो मैं भूल ही गया, वो है मेरे हेडफोन, इनको भी बैग में डाल लेता हूँ, इस घर में धूल सही में इतनी है ना, फटाफट कपड़े ठाने पड़े हैं, जो रखा ना सारा सारा भरा धूल साफ करने के लिए, क्योंकि यहाँ भी खुला है ऊपर भी खुला है, अड़े धूल आती जाती है। एक चीज दिखाऊँ आपको, जिम बंद है,
अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मुझे, जिम बंद की है, 400 पर टाइम है, 4 बजे जिम खुलता है तो अब तक तो खुल जाना चाहिए था। तो जी हमने बाइक खड़ी कर ली जिम के बिल्कुल पास, अब 10 मिनट करूँगा वेट। लोग चुल रहे सही में, अब 10 या 15 मिनट करूँगा वेट और उसके बाद अपना घर चले, अगर नहीं आया कोई तो। एक का बना दिया मैंने बिल्कुल बिल्कुल एकदम बावला, क्योंकि वो जिम नहीं आ रहा था तो अब वो भी जिम आएगा। और सबसे बड़ी बात है बावला मैंने ये बनाया कि अभी जिम जैसे बंद है ना तो अभी जो भैया हैं वो आएंगे 4:30 बजे। तो दो ट्रेनर है ना यहाँ पे, तो जो एक भाई जो एक ट्रेनर है जो भैया हैं वो चले गए बाहर, अब जो बचे दूसरे वो आएंगे 4:30 बजे। तो जो पहले वाले थे वो 4 बजे तक खोल देते थे। और एक लड़का है जो मेरा दोस्त है ना, मैंने उसका बावला बना दिया कि लड़की खड़ी है बाहर बहुत बढ़िया है जल्दी आ बला बला, तो वो आ नहीं रहा था, अब वो भाग के आ रहा है, वो भी जिम करेगा, अब उसका चेहरा दिखाऊंगा मैं आगे। हाँ यार मैं बोर हो रहा था ना तो कोई तो होना चाहिए था जो आएगा, अब ये नहीं आएंगे बाहर के, अब वो बहुत तेज़ी से आएंगे, फटाफट आ लिया बस मैं। लंदन दौड़ गया दृश्यम देख कहानी था हमको, वो कह रहे खतरनाक पिक्चर है बिल्कुल। क्या अच्छा नहीं बताओ अभी बताओ ना पिक्चर बताओ। हाँ देख कमाल अभी इसका वो ना दो स्पाइलर खेड़ रोल बस तुमने बैठा दिया भैया आ चुके हैं और जी मैं फिलहाल कोई नहीं है अभी लाइट ही खोल ले अंदर तो अब करेंगे और आज करूँगा मैं चेस्ट की एक्सरसाइज। भाई जिम है ना कोई नहीं है फिलहाल, जिम खाली खाली में मज़ा आता है, देखो यहाँ चेस्ट होगी कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। हेडफोन अब तो हेडफोन की ज़रूरत नहीं है, आराम से चलेगा मामला। अच्छा चेस्ट का मैंने मैं तो सही बताऊँ ना एक्सरसाइज का तो बाद की बात है, खाली पूरा खाली जिम देख के इतना जी लग रहा। वैसे ना मैं तो सोच रहा हूँ सुबह या तो सुबह सुबह आओ 4 बजे या मतलब 5 बजे खुल जाए जिम, सुबह 5 बजे सुबह बिल्कुल खाली मिलेगा, उस पर फिर भी सुबह भीड़ मिल जाए, इस टाइम आराम से सर्दियों का मौसम यही है ज़्यादा गर्मी लगती नहीं, आराम से आके जिम। फिलहाल मैं ये लूँगा सबसे पहले एक्सरसाइज लूँगा मैं बेंच प्रेस सबसे पहले। अब मैं सोच रहा हूँ जो हेडफोन लगाऊँ या स्पीकर में कनेक्ट कर लूँ फ़ोन, अब मेरे समय में बिल्कुल नहीं रहा। जो एक दोस्त है वो आने लग रहा है, वो आएगा थोड़ी देर में, देखो सामने कैमरा देखो ये है मेरा जिम, जो ट्रेडमिल से वो है इस कोने में, ये गेट हो गया आने का ऊपर से नीचे हो ये उधर काउंटर है, ये ट्रेडमिल्स हो गई बाहर उधर जोगर हो गए बस एक्सरसाइज 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 एक्सरसाइज। ये साइकिलिंग हो गई अपनी, ये वेट का हो गया, वेट जो है मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, वेट दिखाऊंगा आपको बाद में। तो फिलहाल करते हैं मैं अपनी एक्सरसाइज, थोड़ा मैं हल्की सी स्ट्रेचिंग करूँगा, स्ट्रेचिंग के बाद ये करूँगा अपना थोड़ी सी ट्रेडमिल चलूँगा 5 मिनट नहीं चेस्ट करनी ना आज, हाँ तो 2 या 3 मिनट ट्रेडमिल चलूँगा स्ट्रेचिंग। और मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है तो फ़ोन में यहाँ रखते हैं और जो है थोड़ी सी कर लेते हैं हम चेस्ट की। मैं मारूँगा 50 पुशअप्स 3 सेट में, ये मेरी स्ट्रेचिंग होगी मतलब ये मेरा वार्म अप होगा, उसके बाद ऐसे स्टार्ट होगी। फिलहाल तो करते हैं स्टार्ट, पहले मारूँगा मैं 50 से 60 मारूँगा। रेडी पहले हमारे 20, अब करते हैं सारी एक्सरसाइज और उसके बाद मिलते हैं, बाय बाय। कदी लड़की आई हो क्यों नहीं आ मैंने बाद में पूछा पहला ही दिन था उसका भाई मना रहे भाई झूठ नहीं बोल रहा सुन मैंने लगे। तो जी मैं अपना घर आ चुका हूँ और अभी मैंने भाई से फ़ोन किया था, मैं कहा भाई जब मैं जिम में था जब फ़ोन किया था मैं कहा भाई कैसे कैसे सीन है मूवी देखने जानता ना आज, तो मैं कैसे कैसे सीन है टिकट कराऊँ या ना कराऊँ।
तो भाई ने बोला कि भाई तू चला जा, मैं हम नहीं जा पाएंगे। मैंने पूछा क्यों क्या हुआ, तो भाई ने बोला कि मम्मी की लग गई चोट। मैं कैसे चोट लगी, तो भाई ने बताया कि जो मम्मी गमला उठाई शोरूम पर गमला रखा हुआ है ना, वो उठा के उसे बाहर रख रही होंगी, जो कैनोपी में उनका पैर उलझा या हाथ उलझा पता नहीं क्या है, तो उससे शायद वो गिर गई। तो भाई कहते हैं मम्मी की चोट लगी। तो मैंने पूछा मैं कितनी चोट लगी, तो भाई कह रहा है कि इतनी तो नहीं लगी पर लगी है। तो फिलहाल मम्मी आएंगी मुझे लगा सवा छह तक आ लेंगे। भाई से पूछा मैं कब तक आओगे, तो भाई कहते सवा छह तक आ लेंगे, पर अभी टाइम हो चुके हैं पूरे 6:15 और अब तक वे नहीं आए। तो फिलहाल तो मैं उनकी वेट कर रहा हूँ कि कितनी देर में आएंगे। तो जी घर वाले आ चुके हैं और अब गेट दिया मैंने खोल खोल दिया, मैं नीचे जा रहा हूँ। कितनी चोट आई आपके, चोट नहीं आई? मम्मी क्या भाई कह रहा था चोट लगी। अब तो चोट तो लगी भाई, गिरी बहुत जोर से। पीछे मेरे रूम पर आया क्या अलग से? भैया सुंदर लग रहा भाई। ये गेट है, नया गेट है, फोर साइड की बाउंड्री। अच्छा ये अभी तक जब कंप्लीट हो जाएगा, इसमें बैड बोर्ड गिर जाएगा जब देखे थे। सुंदर लग रहा है, खिड़की है दो अंदर, खिड़की छिड़वा रहा अंदर, खिड़की छिड़वा रहे अभी। हाँ पापा जी ने पूरा कमरा पूरा बिल्कुल खतरनाक बना दिया। सेपरेट हो गया माइक लगा के उस साइड। तो मम्मी के चोट ज्यादा नहीं है, पैर अकड़ गया, बस गुम चोट है ना इसलिए कट गया, वो दवा दे दूंगा उससे ठीक हो जाएगा। तू जा रहा है? हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं तो दे दूंगा, पता नहीं कितनी चोट लगी मम्मी के। अरे यार हम भी चलते हैं, मेरी मम्मी देखो कितनी है, यह है फाते। ओ प्रखर कैसे लगी चोट? अरे तू छोड़ मेरा मम्मी का भी कर दे गमला अंदर तक बाहर चली गई मम्मी। हां लेकर अरे अभी देखा हूं मम्मी से वो चल। ए भाई हां मेरा मम्मी का भी कर दे, कैनोपी मोड़ देगा नीचे गिर पड़े, मॉल में तो जाना। हां तो मेरा मम्मी का भी कर दे। हां हो जाएगा, चलो पापा जी मूवी देखने चलो क्या? अरे चलो। तो मम्मी और भाई और पापा तीनों, पापा को अभी काम है तो पापा जा नहीं रहे, इसलिए जाएंगे सारे साथ। तो फिलहाल तो मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ और मम्मी अच्छा। और भाई पापा फिर बाद में मैं भी जाऊंगा दोबारा, फिर हम दोबारा जाएंगे 3-4 दिन बाद। अरे गमला ले रही थी उसे, गमले को बाहर धूप में रखे थी शोरूम में अंदर से उठा के, और वहां पर कैनोपी तो खड़ी थी, कैनोपी का जो रहता है ना उसमें गमला ले रखा था, जैसे उसको पार करे थी कैनोपी का उसमें उलझी पिछला पैर, उलझती नीचे गिर गई। वो गमला जो टूटा मैट पे गिरी थी क्या? हाँ वो जो गमला टूटा मैट पे गिरी इसलिए बच गई। हाँ वो गमला टूटा वो सीधा ठोड्डी पे लगा और गोड्डे वगैरह ठोड्डी दी गई हो, गोड्डे वगैरह टूटी। हाँ मैं पता नहीं क्या करो, जाऊ भाई को नहीं बोल सको थी तुम। अरे हाँ अरे मैं तो निकल जाऊंगी सो को। चलो ठीक है, ठीक हो मतलब आप। तो जी टाइम हो रहा है 7:20 और हम जो है जा रहे हैं बाइक से, और यहाँ से होगा कम से कम 5 मिनट की दूरी पे होगा, क्योंकि जिस हिसाब में तेज जा रहे हैं ना अगले वाला कतई राइडर बन रहा है, बिल्कुल फटफुट मार रहा कतई आराम से। चल भाई नहीं सुनने का क्या कट तो लगा तो नॉर्मल था इस वाला कट। तो 7:30 का शो है, 7:20 हो रहे हैं और जी हम पहुँच जाएंगे आराम से, स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रगल। सारी ये जो है ना एलिवेटर सब खराब हुई पड़ी। आओ भाई ये वाली भी खराब है, कोई सी नहीं चल रही, तीनों की तीनों खराब है, थर्ड फ्लोर पे है ना। हाँ सब खाली हो जाए, मॉल चलता ही नहीं। कार्निवल सिनेमा, वेलकम टू कार्निवल सिनेमा, वहाँ जाना है हमें, चलते हैं। टाइम 7:29, 7:30 का शो है, पर अभी नेशनल एंथम भी होगी 7:30 पे, तो आराम से हम देख पाएंगे। तो जी एंट्री हमने कर ली है और इसकी नंबर 2 में हमारा शो है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ बट 2 में ही है क्या है? हां पागल चलाया था। माफी में मनुष्य का उद्धार है, लेकिन है कुछ लोग जिन्हें मैं चाह के भी माफ नहीं कर सकती, पर आज इस मौके पे मैं उनसे कुछ कहना जरूर चाहूंगी कि जाने अनजाने में आने वाले वक्त में अगर मेरे हाथों उन्हें कोई भी दर्द पीड़ा
या परेशानी का सामना करना पड़े तो मैं चाहूंगी कि वो मुझे माफ कर दे। अभी हो चुका है इंटरमिशन, इंटरवल हो चुका है और फिलहाल हम आ गए हैं बाहर। दो ही हैं, मैं और रक्षित है, बाकी तो आए नहीं, एक लड़का और था वो आया नहीं है। और जो फिलहाल का जो सीन है वो ये है, अब तक जो है मतलब मूवी अच्छी है, बाद का देखेंगे बाद में क्या सीन है क्या नहीं। पर फिर भी थोड़ा सा ये है कि इतनी जल्दी इंटरमिशन नहीं करना चाहिए था, मतलब एक घंटे में इंटरमिशन हो गया, दो घंटे की मूवी होगी शायद, मुझे लगा तीन घंटे की होगी, डेढ़ घंटे में तो इंटरमिशन होना चाहिए था ना, तो जल्दी कर दिया। अभी मन था कि और बैठे रहे देखते रहे देखते रहे, पर अभी हो गया, अभी कुछ खाने का लेंगे उसके बाद दोबारा जाएंगे। वो खड़ा कैसे खड़ा पीछे का, और वो करवा रहा है भेलपूरी है मोमोज, सब 100 रुपये के, सब कुछ 100 रुपये दिखाओ। सब सो तो जी मूवी हमने देख ली और हम एग्जिट गेट से एग्जिट हो चुके हैं। और जो मूवी है ना वो सही में बहुत ही औसम मूवी थी, मतलब सस्पेंस काफ़ी अच्छा अच्छा था, काफ़ी अच्छा सस्पेंस था। और एक चीज़ और, इसका थर्ड पार्ट भी ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि लास्ट जो गंजा है ना वो, उस गंजा ने कहा था कि अभी पिक्चर के हैं अभी वो बाकी है। तो जी मूवी हम देख के आ चुके हैं और ठंड हो रही है ना, तो मैं तो टोपा पहन लिया अपना, और क्या कहते हैं इसको, हम करवा रहे हैं 2 बटरस्कॉच पान, 2 खाएंगे, एक मेरा और एक किसका। और अब तक तो हम खाली मीठा पान खाते थे, पहली बार खा रहे हैं बटरस्कॉच, देखते हैं टेस्ट कैसा है। तो जी हमारा जो बटरस्कॉच पान है वो आ चुका है, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये खाया कैसा जाए, क्योंकि उन्होंने साथ में चम्मच भी दी है, तो रक्षित दिखता है वो मैं ट्राई कर भाई पहला, अगर इसने खा लिया तो मैं खा लूँगा। नहीं खाया मैं ला, मैं बकरी से पकड़ में खाऊंगा, ये बड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा चिप कर रहा है, क्या है ये। भाई पान बहुत टेस्टी है, मैं खा लूंगा धीरे धीरे।